बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बकरीद स्पेशल चिनोटी मटका पुलाव बनाने की रेसिपी। ये एक बावर्ची की रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करी हूँ, और आज हम बनाएंगे इस रेसिपी को कुछ नए अंदाज में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। चिनोटी मटका पुलाव बनाने के लिए मैंने मटन का गोश्त लिया है 750 ग्राम, रानपुट और सीने का मिक्स लिया है मैंने, तो ये गोश्त का इस्तेमाल होगा इसमें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आपको चाहिए होगी एक मिट्टी की हांडी। ये रेसिपी मिट्टी की हांडी में ही बनती है। इसमें हम डालेंगे तेल तकरीबन 1/3 कप, मतलब कि 1/3 कप। तो यूजुअली इस रेसिपी को घी में तैयार किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे तेल का इस्तेमाल करी हूँ। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तेल चला गया इसमें। अब शामिल करेंगे हम इसमें 1 बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज। तो ये मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने इस तरह से रफली काटा हुआ है। ये डाल देंगे हम गर्म तेल में, और इस प्याज को हमने स्लाइटली गोल्डन सा करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अब थोड़ी ही देर बाद देखें, स्लाइटली प्याज हमारी गोल्डन सी होने लगी है। इस स्टेज पे हम डालेंगे 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें, तो ये मैंने डाल दी हैं। इसके अलावा इसमें जाएंगे 2 अदद बे लीव्स। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च साबुत जो कि मैंने ली है 6 से 7 अदद, 1 बड़ी इलायची और 1 अदद मैंने बादियान का फूल लिया है। तो ये तमाम चीज़ें चली गई हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये मैं बिल्कुल फ्रेश पीस के डाल रही हूँ, जो कि मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच। तो लहसुन और अदरक की क्वान्टिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी इसमें, जिससे सौंधा पुलाव बनेगा। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। अब ये लहसुन अदरक हमारा भुन चुका है, तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें गोश्त, और गोश्त को हमने इन तमाम चीज़ों के साथ इतना भुना है कि ये पिंक से वाइट हो जाए। अब ये गोश्त हमारा पिंक से वाइट हो चुका है, इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें नमक। तो नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। अब इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो नमक डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं पानी, तो मैं यहाँ पे 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करी हूँ। अब हम इसको साइड में कर देते हैं, लो फ्लेम पे पकने देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम एक पोटली तैयार कर लेंगे, जिसमें हम तमाम खड़े गरम मसाले डालेंगे। होल गरम मसाले में हम ज़ीरा डालेंगे 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, सौंफ जाएगी 1 टेबल स्पून ही। इसके अलावा ड्राई लेमन का मैं इस्तेमाल करी हूँ, जो कि ऑप्शनल है, कि मैंने 1 अदद डाल दिया है। जायफल और जावित्री का ये एक दरदरा कुटा हुआ पाउडर है, 1/2 टीस्पून डाला है। ये हैं साबुत लाल मिर्चें 6 से 7 अदद। इसके अलावा 1 बड़ी इलायची डालेंगे। इसके अलावा 2 बादियान के फूल हैं, जिसको मैंने तोड़ लिया था, ये चले गए हैं इसके अंदर। इसके अलावा 2 अदद बे लीव्स का इस्तेमाल करेंगे इसमें हम, ये चले गए हैं इसमें। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने तोड़ लिया है। इसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ इस पोटली में। तो इन तमाम चीज़ों की अब हम पोटली बना लेंगे, और इस पोटली को हम डालेंगे गोश्त में। तो ये हमारी रेडी हो गई है पोटली, तो ये चली गई है इस गोश्त के अंदर। अब हम इसको कुक करेंगे, जब तक कि गोश्त हमारा बिल्कुल गल नहीं जाता। तो इस गोश्त को थोड़ा सा ज़्यादा गलाना होता है आपने, ठीक है जी। गोश्त का गलना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको हम कवर कर देते हैं। इसको हम जब तक पकाएंगे, जब तक कि हमारा गोश्त गल नहीं जाता। तो जब तक ये हमारा गोश्त गल रहा है, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ उबलते हुए पानी में हम डालेंगे नमक। तो नमक जाएगा 1 खाने का चम्मच। इसके अलावा 4 अदद लौंगे जाएंगी, और 1 मैंने छोटी इलायची ली है। तो ये तमाम चीज़ें चली गई इसमें। थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं मैंने, थोड़े से हरे धनिए के पत्ते डाल देंगे, साथ ही 3 से 4 अदद हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। थोड़ा सा पानी को और बॉयल कर लेंगे हम तमाम चीज़ों के साथ। और यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं सेला, जो कि हैं 1/2 किलो। इसको मैंने वॉश करके सोक कर लिया था 1 घंटे पहले। ये डाल देंगे हम। तो चावलों को मैंने डाल दिया है उबलते हुए पानी में। इन चावलों को हमने 50% तक कुक करना है, इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना, वरना तो आगे का पूरा स्टेप जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो चावलों को बहुत ध्यान से आपने कुक करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। चलें जी, चावलों को उबलते हुए 2 मिनट गुजर चुके हैं। इस स्टेज पे हम चावलों की पीस निकालेंगे 1/2 कप। तो ये एक बावर्ची की सीक्रेट रेसिपी है, जो कि आप लोगों के साथ अपने चैनल पे शेयर करी हूँ, जो कि शायद कोई नहीं बताता है। तो ये मैंने निकाल ली है पीस, इसमें से 1/2 कप, और चावलों को मैंने छान लिया है। तो देखिए, हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल 50% तक परफेक्ट गल चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने पीस निकाली है 1/2 कप, इसमें हम डालेंगे गर्म दूध, जो कि जाएगा 1/2 कप ही। तो टोटल लिक्विड जो इसमें बाद में जाएगा, वो जाएगा पूरा 1 कप। तो ये 1 कप लिक्विड हो गया, इसको अभी हम साइड में कर देते हैं, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे।
दूसरी तरफ गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है, तो चेक कर लेते हैं इसे। और बेसिकली इस पूरे पुलाव का जो कमाल है वो है मट्टी की हांडी। मट्टी की हांडी में ये जो बहुत सोंदा बनता है, इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है इस हांडी में पकने के बाद। अब इस पोटली को हम रिमूव कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि गोश्त हमारा कितना गल चुका है। तो पोटली को निचोड़ते हुए हम निकाल लेंगे, जितना भी एक्सेस इसमें पानी था वो निकल गया है और एरोमा इसमें आ गया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम कुछ मज़ीद मसाले। तो ये देखें गोश्त हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है बिल्कुल। तो इस स्टेज पे हम आगे कुछ मसाले डाल रहे हैं। तो यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लिया है 1/2 चाय का चम्मच, दरदरा कूट के डाल रही हूँ, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच। ये तीनों पाउडर मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे नींबू का रस जो कि जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के। अब इसमें शामिल कर देंगे हम दही, तो दही जाएगा इसमें 3 खाने के चम्मच, इसको मैंने बीट कर लिया है तो ये डाल दिए हैं मैंने। इसको मिक्स करेंगे हम। दही डालने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे जुलियन कट अदरक डालेंगे हम थोड़ी सी अभी डाल रही हूँ, थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे। तो ये डाल दी है मैंने, इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको कर देंगे कवर। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं इस गोश्त को। देखें गोश्त जो है थोड़ी सी भुनाई पे है लेकिन इसमें पानी मौजूद है। इस स्टेज पे हम 50% गले हुए चावलों को डाल देंगे। तो देखें सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम चावलों को मसाले के साथ हल्के हाथों से बहुत मिक्स करेंगे ताकि चावल हमारे टूटे नहीं बिल्कुल भी। चावलों को मैंने गोश्त के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया, अदरक और थोड़ी सी मैं तली हुई प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ी सी मैंने डाली है, तकरीबन मुट्ठी भर ही। और अब हम इसमें डालेंगे दूध और पीच का ये मिक्सचर जो कि मैंने पूरा 1 कप बनाया था, ये पूरा 1 कप मैंने डाल दिया है। और शुरू के हमने 5 से 6 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है ताकि अच्छे से स्टीम बन जाए। तो टोटल टाइम जो हमने इसको दम पर रखना है वो रखना है 15 से 16 मिनट। तो इसको मैंने कर दिया है कवर। शुरू के 6 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, बाकी हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अब तकरीबन 15 से 16 मिनट के बाद चावलों को हम चेक कर रहे हैं और ये जो एरोमेटिक हमारा पुलाव बन के तैयार हुआ है, जब आप इस रेसिपी को मेरी ट्राई करेंगे ना तो आप खुद ही बताएंगे कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी है। तो इसको हम हल्के हाथों से फोक से ऊपर नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा हिला लेंगे, मिक्सर लेंगे ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज ये पुलाव बनता है, बिल्कुल डिफरेंट। आपने ऐसा पुलाव नहीं खाया होगा कि जो ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा इस बकरीद पे और ज़रूर बनाने के बाद फीडबैक दीजिएगा कि ये आप लोगों से रेसिपी कैसी बनी। आज की रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और आज की ये मटका पुलाव रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।